जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी पैदा हुए तो उनको 14 साल का वनवास हो गया। तो वो जो वन में जा रहे थे तो जाते समय रास्ते में जितने भी कांटे या कुछ भी हो, ऐसे जो पाँव में चुभते हो, ये सब मिलता था ना, तो वो हटा देते थे, क्योंकि दूसरे जो आने वाले व्यक्ति हैं या उनको पता था कि उनके भाई भरत भी उनका पीछा करते हुए आएंगे उनको लेने के लिए, इसलिए उन्होंने उसको हटा दिया था। तो मगर आजकल कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं जिस रास्ते से गुजरा हूँ ना, उस रास्ते में और कांटे डाले जाए कि दूसरा फिर मेरे जितना तरक्की ना कर पाए। अगर वो मेरे जितना तरक्की कर लिया तो दोनों का हाइट बराबर हो जाएगा ना, प्रॉपर्टी में और सब में, तो उसका कहा वो नहीं सुनेगा, उसको चपरासी के जैसे नहीं रख सकेगा। इसीलिए आजकल उल्टा है, आजकल आदमी लोग रास्ते में कांटे या बियर का बोतल तोड़ के और ज़्यादा डाल देते हैं, तभी जो पीछे आने वाले व्यक्ति को प्रॉब्लम हो बोल के। तो वो त्रेता युग था, ये कलयुग है, संभल के रहें, अपना बचाव करें। जय श्री राम।